हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तनवीर सर पर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और एक प्यारा सा लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर हमारे हिसाब से जो हमने जो ट्रिक क्रिएट किया है वह क्या है भाई? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अब भागिएगा नहीं, समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हाई ब्लड प्रेशर से पाइथागोरस थ्योरम कैसे जुड़ गया भाई, हमने इसको कैसे जोड़ दिया हाई ब्लड प्रेशर से? स्किप नहीं कीजिए, रुकिए, देखिए, समझिए, तब जाइए। चलिए, हाई ब्लड प्रेशर को जब डबल कर दिया जाएगा तो वही क्या होगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम होगा। डबल कीजिए तो जरा सा, डबल का मतलब यहाँ डबल पावर दो स्क्वायर, सभी का स्क्वायर, एक साथ भी स्क्वायर करते तो भी होता चलता। हाई ब्लड प्रेशर को आपने डबल किया, लीजिए डबल किया तो हाई का डबल हो गया स्क्वायर, ब्लड का डबल हो गया स्क्वायर, प्रेशर का डबल हो गया स्क्वायर। चलिए हाई, हाई यानी कि एच, क्या भाई? एच, एच का स्क्वायर। अब यह हाई है, क्या है? हाई है। अब इसमें ब्लड भी है, प्रेशर भी है। ब्लड और प्रेशर मिलेगा तब जाके यह हाई होगा, यानी कि इन दोनों के बराबर में होगा। ब्लड और प्रेशर के बराबर में जब होगा, ये मिलेगा तब जाके हाई होगा, तब वह हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। लीजिए ब्लड यानी के बी का होल स्क्वायर, बी से ब्लड। चलिए दोनों एक साथ मिलेगा, जुटेगा, जुटने का मतलब प्लस, लीजिए जुटेगा मतलब प्लस प्रेशर, ये भी डबल होगा। मतलब हाई ब्लड प्रेशर कब होगा? जब ब्लड और प्रेशर दोनों मिलेगा, जुटेगा, तब यह और हाई हो जाएगा, और टोटल हाई यानी सबका वर्ग हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाई स्क्वायर, ब्लड स्क्वायर, प्रेशर। अब देखिएगा जरा सा, हाई यानी एच त्रिकोणमिति में या समकोण त्रिभुज में अगर ये ए बी सी है समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है एंगल। अब देखिए ए बी सी यह क्या है? कर्ण है। यह क्या है? बेस है, यानी कि बी यानी आधार। यह क्या है भाई? परपेंडिकुलर यानी कि पी मतलब लंब, यही ना हो गया हाई एच। मतलब यहां क्या हो गया? कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इजकल टू बी मतलब आधार का स्क्वायर, पी मतलब लंब, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इजकल टू, कर्ण स्क्वायर इजकल टू, आप लंब पहले लीजिए चाहे आधार पहले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बतिया सेम सेम बट डिफरेंस वाइज तनी मनी। चलिए तो लंब स्क्वायर प्लस बी यानी के आधार स्क्वायर हो गया। यही तो हमारा क्या हो गया भाई? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब जब एक निकल गया तो बाकी आप आराम से निकालिए सकते हैं। वो कैसे? देखिए तो एच स्क्वायर इजकल टू अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर पी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं आप, वह क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाके घट जाएगा। ठीक ऐसे ही बी स्क्वायर जब निकालिएगा आप आधार स्क्वायर तो यह भी एच स्क्वायर में से घट जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर बड़ा होता है यानी कर्ण बड़ा भुजा होता है, और एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा?
घट जाएगा। हो गया फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे पी इजकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, बी इजकल टू स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हो गया पाइथागोरस थ्योरम हमारा। समझ में आया कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे पाइथागोरस पर में है, और कैसे है तो वो भी आपने देख लिया, सीख लिया, अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला आप याद रखोगे, जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसको सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। यहाँ से पहला नंबर याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये तो आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। दूसरा नंबर याद रखिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तीसरा नंबर याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। फिर चौथा नंबर याद रखिएगा, टोटल बोर्ड पे जो है 8 अलजेब्रिक फॉर्मूला है। पहला क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इनटू माइनस बी, उसके बाद चौथा नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। या इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। पांचवा नंबर होता है, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी ए बी इनटू ए प्लस बी, इसमें टोटल क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। छठा नंबर है, ए माइनस बी का होल क्यू, इसमें टोटल माइनस रहेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। सातवां नंबर है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सिर्फ इसमें एक माइनस ए बी रहेगा। आठवां नंबर है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, इधर वाला माइनस हो जाएगा, अंदर वाला पूरा प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।